दोस्तों आप देख सकते हैं मलिकिरा डैम के 8 गेट खुले हुए हैं। नमस्कार साथियों, मैं केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं सिंध नदी पर। दोस्तों यह वही सिंध नदी है जो बीते दो दिन पहले उफान पर थी और इसका पानी दोस्तों सड़क पर जा रहा था, जो नरवर और शिवरी का मुख्य मार्ग है। यह नरवर शिवरी का मुख्य मार्ग है, इस मार्ग से होते हुए दोस्तों मतलब नदी का पानी उफान पर था और मार्ग को टच कर रहा था। आप देख सकते हैं अभी भी यह सिंध नदी मलिकिरा डैम के कुछ गेट खुले हुए हैं जिसके द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से पानी जा रहा है, अभी भी पानी खतरा बना हुआ है। लगते हैं सिंध नदी का वही दुर्गम नज़ारा है। दोस्तों आप देख सकते हैं सिंध नदी के उफान से कितना नुकसान हुआ है। आप यहाँ पर देखो एक विद्युत केवी की लाइन डली हुई है, मतलब यानी कि दोस्तों नदी जब उफान पर थी, अपनी चरम सीमा पर थी, तो दोस्तों पानी वहाँ तक टच हो रहा था और आप देख सकते हैं कितना कुछ नुकसान इस सिंध नदी के चढ़ने से हुआ था। यहाँ पर दोस्तों इधर लाइन वगैरह सब टूट चुकी है, लगभग बहुत नुकसान हुआ है। और आप उधर की साइड उस गांव को देख रहे हैं, कल्याणपुर नामक वह गाँव बसा हुआ है और जिस गाँव के लोग दोस्तों काफ़ी डरे हुए थे जब मलिकिरा डैम के 10 गेट खोले गए थे। तो दोस्तों पानी बहुत अधिक था नदी में और बहाव के कारण दोस्तों लोग डरे हुए थे और छतों पर चढ़े हुए थे कि उनके घर तक पानी ना आ जाए, और ग्रामीण लोग काफ़ी डरे सहमे हुए थे। और दोस्तों आगे का व्यूज आपको बताएंगे। उधर वो पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है लगभग इसी नदी के कारण। दोस्तों यह नदी वो मलिकिरा डैम से निकलती है तो उधर से वो एक पुलिया एरावन गांव के आगे, वह पुलिया दोस्तों पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। वाहन की आवाजाही बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है, नरवा शिवरी मार्ग बिल्कुल बंद हो चुका है। आपको उस पुलिया को भी दिखाएंगे दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों इसी रास्ते से होते हुए अब हम मलिकिरा डैम की ओर निकलेंगे और आगे का मुआना आपको ग्राउंड जीरो से आपको सारी रिपोर्टिंग बताएंगे, क्या स्थिति है उस पुल की और कैसे वह क्षतिग्रस्त हुआ है दोस्तों, सारा कुछ आपको बताएंगे। और रोड कितना सुरक्षित है, कितना असुरक्षित है, आपको यह सब जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। थैंक यू। अब हम जानेंगे स्थानीय ग्रामीण व्यक्तियों से दोस्तों, जो सिंध नदी के पुल के मतलब सिंध नदी के किनारे पर रहते हैं, कि जब वो भयानक मंजर जब नदी चढ़ रही थी तो क्या किन समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा, उन्हीं की जवानी। आपका नाम क्या है? ममता। जब नदी चढ़ी थी आप कहाँ पर थी? कमरे में सो रहे थे हम तो। आप उस कमरे में सो रही थी, कमरा बताओ उनका। दोस्तों आप देख सकते हैं सिंध नदी के किनारे बसा हुआ एक कमरा बना हुआ है जिसमें ये सो रही थी और उसके बाद आपने क्या देखा? पानी देखा, उठ गया, पानी देखा, पानी चार करो, पानी चल रहा पर ऊपर से मारा। कितने बजे के टाइम पानी जब खुला था, जब आप सोई थी मतलब उससे पहले सोई थी, जब तो नदी नॉर्मल थी, तब सोते तो नदी नहीं आती, तब नदी नहीं थी बिल्कुल भी। और हम तो सुबह को सुबह उठे, सुबह को चार करो पानी पानी देखा। अच्छा, सो के उठे सुबह 4 बजे पानी पानी चारों तरफ, तो फिर आपने आप घबरा गई होगी, पानी तो अवेलेबल था। बच्चा मोड़ सब सब मैं मार रोड से मिल लगो। तो उसके बाद आपने क्या किया? अम्मा ऊपर से मोड़ा मोड़ गया मारा आए आसर वाले। हां भरे जाया तो जी। अच्छा, हां रस्सी बांधी, बांध से रस्सी बांधी, फिर मैंने दम तैर कर रस्सी बांधी, बांध के रस्सी के पकड़ के, मतलब जो आपका जो पूरा डूब गया था। नहीं नहीं, वो लेवल हो गई थी, लेवल हो गई थी, वो खटिया भी चाहिए ना चबूतरा बनाना, वहाँ लेवल हो गई थी। तो उसके बाद महाराज जी नीचे आए, महाराज जी नीचे आए, महाराज जी ने पेड़ से खैर से बंधवा के रस्सा पैर के और फिर रस्सी से उधर से आदमी निकाले, इधर से भी उधर को आदमी निकाले। अच्छा, फिर ऊपर आपको सब ऊपर पहुंच गए टपके सर पे। तो आप तो मतलब आप घबरा गई होगी, वो तो भयंकर पानी जब चढ़ रहा था, सो रहे थे अंदर ही, पानी कम अंदर कमरे में पानी तो नहीं आया तुम्हें? कमरे में नहीं आया, इधर रोड इधर पानी पानी तो है। तो दो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से भीषण मंजर इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लगभग डरे सहमे हुए लोग जो नदी के किनारों पर बरसों से रह रहे हैं। आप कितने टाइम से यहाँ पर बसी हुई हो? मैं 4 साल हो गई। लगभग 4 सालों से। आपने कभी जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं? नहीं, नहीं देखा। पहली बार नदी इतना लेवल पर चढ़ी दोस्तों, जिससे डरे सहमे हुए लोग अपने घरों को छोड़कर दोस्तों इधर की ओर टपकेश्वर मंदिर की ओर महाराज जी के सारे ऊपर तक पहुंचे। आपको भी बहुत कुछ नुकसान झेलना पड़ा होगा। नुकसान साफ है,
और इनके खेत उजड़ चुके हैं धान मान के, और मतलब सारा कुछ पानी में बह गया है। दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं नरवर सतरवाड़ा स्थित वह पुल पर जो क्षतिग्रस्त हो चुका था सिंध नदी के बहाव से। इस पुल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, आप देख सकते हैं दोस्तों यह पुल काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है, और इसकी जो बड़ी बड़ी बाउंड्रियाँ थी लगभग 3-4 फीट की जो बाउंड्रियाँ थी वो टूट चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों वाटर लेवल काफ़ी ऊपर तक चल रहा था और इधर से होते हुए पानी मणिखेड़ा के गेटों से निकलते हुए क्षतिग्रस्त करते हुए दोस्तों यहाँ निकल गया, और आप देख सकते हैं। और इधर की ओर दोस्तों यह नर्सरी बनी हुई है। इस नर्सरी में लगभग 7 लाख रुपए की लागत से बना हुआ सोलर प्लांट कुछ चंद मिनटों में ही दोस्तों पानी में बह गया, और काफ़ी पेड़ टूट चुके हैं, काफ़ी खम्भे जो विद्युत लाइनें थी वह भी टूट चुकी हैं, और बिजली सप्लाई बंद हो गए। आखिर देखते हैं दोस्तों कब तक प्रशासन इस रोड को चालू करता है जो सीपरी सतनवाड़ा के लिए दोस्तों नरवा सतनवाड़ा के लिए मुख्य मार्ग है जो यहाँ से निकलते हुए सीपरी पहुँचता है। पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, और दोस्तों वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बंद है, और इधर की ओर दोस्तों सीपरी मार्ग से भी आवाजाही बंद है, और इधर नरवर से भी बिल्कुल इस पुल पर जो भी आवाजाही थी दोस्तों गाड़ी वगैरह बस वगैरह आती जाती थी डेली रूटीन में, लेकिन दोस्तों सारी कुछ बस मस सब बंद है, और सीपरी से आने वाली पावर सप्लाई भी दोस्तों पूर्ण रूप से बंद है। आप देख सकते हैं कितना नुकसान इस पुल में हुआ है। काफ़ी पुराना पुल यह माना जाता है दोस्तों, लगभग 300-400 वर्ष पुराना यह पुल आज पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, और आप देख सकते हैं पानी का बहाव इधर की ओर से ही पानी का बहाव बहुत तेज आ रहा था और पुल की ऊंचाइयों को टच कर रहा था। काफ़ी प्राचीन पुल जो ढह चुका है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े मलवा इसमें से निकला है। देखो दोस्तों आरसीसी बिल्कुल डाउन रोड थी वो पूरी उखड़ चुकी है, और यह कुछ बाउंड्रियाँ हैं जो पूरी उखड़ चुकी हैं दोस्तों। पहले यह बाउंड्रियाँ काफ़ी ऊंची हुआ करती थी, और लगभग आज पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं, और इधर दोस्तों आप देख सकते हैं धस चुकी है ज़मीन, लगभग पुल टूट चुका है। काफ़ी लोग यहाँ आज देखने को आ रहे हैं, और इधर आप देख सकते हैं दोस्तों वो गाड़ी लगी है, वो सीपरी से आई हुई गाड़ी है जो कि दोस्तों वहीं रुकी हुई है, और इधर से हम नरवर से आए हैं तो हमने हमारी गाड़ी उधर ही रोक दिया क्योंकि दोस्तों आगे के लिए रास्ता बंद है, और इधर से अगर हमें मणिखेड़ा डैम पहुँचना है तो हम पैदल ही मणिखेड़ा डैम यहाँ से पहुँचेंगे। काफ़ी खौफनाक मंजर था दोस्तों, जब नदी चढ़ रही थी यानी कि पानी वाटर लेवल दोस्तों लेवल पर चल रहा था और उफान पर थी नदी, तो काफ़ी भयंकर दृश्य आपको यहाँ देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों इसके चलते दोस्तों यह मार्ग बिल्कुल पुलिस मिलिट्री SDRF NDRF की सारी टीमें यहाँ पर तैनात रहीं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, और दोस्तों गाँवों को सभी गाँवों को अलर्ट पर रखा था। आप देख सकते हैं किस तरह से पुल को नुकसान पहुँचा है, और अभी भी पानी दोस्तों लगभग 7-8 गेट खुले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं पानी का बहाव कम नहीं है, और काफ़ी लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इधर से तो पीछे रहे पूरी बाउंड्री लगभग पानी में गिर चुकी है, टूट चुकी है। दोनों तो जूम करियो चल। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह सिंध नदी का वही पुल है जो ढह चुका था, और इधर की ओर दोस्तों इसकी डम्बर रोड पूरी उखड़ चुकी है और बाउंड्रियाँ टूट चुकी हैं क्योंकि वाटर लेवल दोस्तों काफ़ी ऊंचाई पर जा रहा था। इधर की सारी बाउंड्री टूट चुकी है और पानी में बह गई, और दोस्तों काफ़ी नुकसान यहाँ हुआ है, आप देख सकते हैं उस पहाड़ी पर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जूम करके बताएं, आप देख सकते हैं उस पहाड़ी पर दोस्तों पहाड़ी का कटाव हो चुका है, लगभग वाटर लेवल पानी दोस्तों लगभग बहुत ही
लगभग टपकेश्वर तक पानी पहुंच रहा था यहाँ की, यानी कि यहाँ तो दोस्तों आने की कोई संभावना ही नहीं थी। पानी टपकेश्वर मंदिर तक पहुंच रहा था और मिलिट्री की फोर्स दोस्तों वहाँ पर तैनात थी, जिससे कोई अनहोनी ना हो जाए। आप देख सकते हैं यह वही पुल बना हुआ है और इधर की ओर मणिकेरा डैम की ओर दोस्तों यह रास्ता बना हुआ है। काफ़ी सैलानी आज आ रहे हैं और इस दृश्य को देख रहे हैं। ऐसे खौफनाक मंजर में दोस्तों हम आपको दिखाने आए हैं मणिकेरा डैम, और आपको वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। आपको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मणिकेरा डैम की ओर जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, क्योंकि आगे का रास्ता दोस्तों यह डैम पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है। इधर आओ, इधर आप देख सकते हैं यह पूरा डैमेज हो चुका है। काफ़ी बड़े बड़े दो गड्ढे बन चुके हैं जो कि दोस्तों और बहाव में पूरा पुल बह चुका है। लगभग यहाँ तक इतनी ऊँचाई तक पानी चल रहा था, इसलिए अभी चला। यहाँ पर हम हमारी बाइक रखकर पैदल ही हम मणिकेरा डैम तक पहुँचेंगे और आगे का व्यूज आपको बताएंगे कि उसमें दोस्तों क्या है कि क्या हो रहा है। ऐसी अफवाह फैल रही है कि मणिकेरा डैम टूट चुका है, चटक चुका है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ अफवाह है, इन पर ध्यान ना दें। आपको खुद देखने को मिलेगा दोस्तों मणिकेरा डैम पर कैसी क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो से। आपकी यह रिपोर्टिंग खास केशव के साथ। तो क्षतिग्रस्त हो गई थी उस साइड, हम अपनी बाइक रखकर मैं और मेरे सहयोगी अनिल भाई के साथ अब हम मणिकेरा डैम के ऊपर जाएंगे। इस घाटी के द्वारा पट्टी घाटी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी की पैदल यात्रा करके दोस्तों हम उस ऊपर मणिकेरा डैम तक पहुंचेंगे और आपको नज़ारा दिखाएंगे सारा उस डैम का, जो उस डैम के गेट खोले गए थे दोस्तों। 10 के 10 गेट उन डैमों के गेटों को खोला गया था। और दूसरी साइड है मेरे कैमरा पर्सन अनिल, कैमरा पर्सन नीरज भाई। मणिकेरा डैम की ओर जाएंगे और आपको सारा व्यूज आपको वहीं से कवर करके इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लॉकडाउन वाला प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तुम हमको काटना मत, लो इसको ले जाओ। ओके आती जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और यह पट्टी घाटी का विहंगम दृश्य आप सभी देख सकते हैं, तरफ झरनों की आवाज और शांति के माहौल में। फाइनली हम मणिकेरा डैम तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं डैम जाने का रास्ता है, जिसके बारे में काफ़ी अफवाहें फैल रही थी कि मणिकेरा डैम चटक चुका है, फट चुका है, फैल रही थी। तो दोस्तों आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे मणिकेरा डैम का व्यूज़ लगभग आज बीते 3 दिनों बाद क्या है दोस्तों, जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी सिंध नदी पर, उसके बाद का मौके का मुआयना करेंगे और दोस्तों आपको बताएंगे आज की स्थिति क्या है मणिकेरा डैम पर। दोस्तों फाइनली हम मणिकेरा डैम के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और यह मणिकेरा डैम का प्रांगण बना हुआ है। उधर की साइड जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष या कार्यालय बना हुआ है ऑफिस, और इधर से दोस्तों मणिकेरा डैम के गेट खुले हुए हैं। आपको बताएंगे पूरा नज़ारा मणिकेरा डैम के गेटों का, किस प्रकार वह खुले हुए हैं, सिंध उफान पर कैसे चल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मणिकेरा डैम के 8 गेट खुले हुए हैं और इधर की ओर दोस्तों अब की साल मणिकेरा डैम पर कोई नहीं आया है। पिछले समय में जब मणिकेरा डैम के गेट खोले जाते थे तो काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते थे और मौसम का लुत्फ़ उठाते थे। और चूंकि दोस्तों आज के टाइम में यह पूरा क्षेत्र दोस्तों हाई अलर्ट पर है, क्योंकि सिंध नदी उफान पर है और मणिकेरा डैम का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके कारण दोस्तों पर्यटकों की कमी में भारी गिरावट यहाँ आपको देखने को मिल रही है। और मणिकेरा डैम के यह 8 गेट खुले हुए हैं जो सिंध नदी में इसका पानी छोड़ा जा रहा है। और दोस्तों उधर की साइड से दोस्तों पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसका पानी दोस्तों जब इसका बढ़ता है, जब विदिशा या भोपाल अत्यधिक बारिश होती है तो इसका इस पर उसका असर आता है और दोस्तों इसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी वीडियो में आपको बताने आए थे दोस्तों मणिकेरा डैम को, और झूठी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मणिकेरा डैम चटक चुका है, फूट चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी लाइव कवरेज हम यहाँ पर कर रहे हैं
और आप देख सकते हैं दोस्तों किसी प्रकार का कोई है झूठी अफवाह इस पर ध्यान ना दें। और दोस्तों आप देख सकते हैं, आप स्वयं ही देख सकते हैं दोस्तों मणिकर्णिका डैम का विशाल क्षेत्रफल और नदी अपने बहाव के साथ निरंतर बहती हुई। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं मणिकर्णिका डैम के 8 गेट खुले हुए हैं और हमारे साथ है हमारे सहयोगी अनिल सिंह अनिल भाई और इधर हमारे हैं नीरज भाई। तो दोनों भाई हमारे साथ आए हुए हैं और सहयोग के साथ आपके ब्लॉग में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यह सब कुछ था मणिकर्णिका का व्यूज़ जो मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बी राइडर चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।